सीतापुर से। नगर के बिसुंदरपुर में बने माविन निवासी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 70 साल में जहां 7 मेडिकल कॉलेज मिला, वहीं योगी आदित्यनाथ ने 2.5 साल के कार्यकाल में 179 मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी। सांसद ने कहा कि शिक्षा के साथ ही बेहतर चिकित्सा भी जनता को मिलेगी। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण 232.97 करोड़ की लागत से किया गया, जिसमें केंद्रांश 60% तथा राज्यांश 40% है, जिसमें कुल 30.56 एकड़ की भूमि महाविद्यालय के लिए उपलब्ध है। मिर्जापुर से नई वार्षिकी रिपोर्ट। मेरे लिए मेरे सपने के पूरा होने जैसा ही अनुभव है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2,329 करोड़ की लागत से बने हुए 9 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किए गए हैं। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर और मिर्ज़ापुर और गाजीपुर से तमाम ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुए हैं और हमारा अपना माँ विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज जो 232 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, अब नीट के माध्यम से 100 MBBS की सीटों पर यहाँ प्रवेश मिलेगा। और जहाँ एक और दूर दराज से और यहाँ के खास तौर से बच्चों को अच्छी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, उसके साथ ही हमारे इस जनपद के आसपास के इलाके के लोग जो भी जिन्हें अपनी एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए जनपद के बाहर जाना पड़ता था, अब उन्हें हमारे इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बहुत ही उत्तम चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। तो आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का भी दिन है और मिर्ज़ापुर जनपद वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही बेहतरीन ये हमारा भव्य एक भवन बन के तैयार हुआ है और हम सबकी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि इस मेडिकल कॉलेज का भविष्य बहुत उज्जवल हो और यहां से बेहतरीन शिक्षा लेकर बच्चे देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स बने। ठीक है।